सरकार द्वारा धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से शुरू करने के फैसले के बाद किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अधिकांश धान पक चुका है और मंडियों में आ रहा है, लेकिन मंडी में उसका कोई वारिस नहीं है। आलम यह है कि किसान धान के ढेर को ढक कर अब इंतजार कर रहे हैं 11 तारीख का। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सरकार किसानों की समस्या नहीं जानती? क्या 10 दिन तक किसान खुले आसमान तले अपनी धान की हिफाजत कर पाएगा? इस मुद्दे पर पीपली अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहले तो सरकार की वजह से बहुत किसान बहुत दुखी है, बाकी उसके साथ साथ आढ़ती भी तंग हो गया, मंडी फुल तरह से भर चुकी है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है, गलियों में सड़कों में जितने भी जीरी पड़ी है, धान पड़ा है। तो पहले तो सरकार की डेट थी 25 तारीख, सरकार ने दी, फिर पहली तारीख दी, पहली पे जवाब आ गया, अब 11 तारीख उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने दी है भी उसको खरीद करेंगे। तो अब तक तो माल 90% किसान का धान कट चुका होगा, बाकी सूखा धान 15-16 के मोस्चर का धान मंडियों के अंदर पड़ा है, कोई भरने के लिए तैयार नहीं है। और सेलरों वालों को सारे हरियाणा में हड़ताल होती है होती है, हमारा पीपली और कुक्षेत्र में ये पहली बार हड़ताल चलती है। हमारा कारण क्या, क्या कहते हैं हड़ताल का कारण क्या है? हड़ताल का कारण क्या है? सरकार की हमारी पॉलिसियां नहीं माननी, ये है, ये तो सारे हरियाणा में करो, हम मंजूर है हमें, पर सारे हरियाणा में अगर दो मंडियां बंद रहेगी ना तो उसको बड़ा दुख होता है हमको। आड़ती की परेशानी क्या, किसान आके धान डालता है, आड़ती कहता मेरा तलवाओ, जो मर्जी हम तलवाओ, लेने के लिए कोई तैयार नहीं, सरकार माल उठाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ से अगर सेलर में माल चले जाए तो जैसे भी एच रजिस्टर के उधार पे आगे उनको गेट पास काटो, देख के अपना चेक करके, कम से कम मंडी खुलेगी तो मंडी तो भर जाएगी। मंडी तो भर चुकी है, भर चुकी है, किसान का 60% धान कट गया और पका हुआ धान बहुत अच्छा धान आया हुआ, ठीक है ना जी। हम नहीं कहते हैं जो सा सुक्का माल सुक्का सुक्का धान है वो लो, नर्म दाना छोड़ दो उसको, बाद में सिकाएगा किसान उसको देगा, 17 के मोस्टर पे आके देगा, 16 पे देगा। वहीं सरकारी फैसले की मार का दंश झेल रहे किसान बेबस हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि धान खरीद जल्दी शुरू की जाए, लेकिन सरकार तो सरकार ठहरी। चंडीगढ़ के सेक्रेटेरिएट में बैठकर 6 महीने तक अपनी औलाद की तरह धान को पालने वाले किसान की पीड़ा शायद उनकी समझ से बाहर है। वहीं इस मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई में विधायकों को किसानों के हक में त्याग पत्र देना चाहिए ताकि सरकार किसानों का दर्द समझे। किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया, किस प्रकार से पहले घोषणा की जाती है हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम द्वारा कि 25 तारीख से खरीद शुरू की जाएगी, फिर कहा कि 1 तारीख से खरीद शुरू की जाएगी, अब एक नया फरमान जारी कर दिया कि 11 तारीख से खरीद शुरू की जाएगी, जबकि किसान पिछले 20 दिन से मंडी में बैठा है, क्योंकि अर्ली वैरायटी है 90 दिन में पक जाती है और वो 15 दिन हो गए उसको, 20 दिन हो गए मंडी में बैठे को, और सरकार उसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार किसान विरोधी है, सरकार ये चाहती है कि MSP से किस प्रकार से भागा जाए। तो हम तो सरकार से कहेंगे कि सरकार आज से खरीद शुरू करे, मंडियां भरी पड़ी हैं, लाखों क्विंटल अनाज मंडियों में पड़े, ना केवल कुरुक्षेत्र की मंडियां भरी पड़ी हैं, आप ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ जाओगे, ब्रह्म सरोवर की जितनी पार्किंग है, हनुमान मंदिर की पार्किंग है, अराई धर्मशाला की बात सामने की बात करें, रोड धर्मशाला के सामने की बात करें, सारी सड़कों के ऊपर आज जीरी फैली हुई है और सरकार को तुरंत इसकी खरीद करनी चाहिए। किसान कह रहे हैं कल से विधायकों के घर जाके ढेर लगा देंगे, ट्रॉलियां खड़ी कर देंगे, किसान और क्या करेंगे? मैं कहता हूँ विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए सरकार में जो बैठे हैं, कि ये सरकार किस प्रकार की सरकार बनी हुई है, सरकार खरीद नहीं करती, विधायक सेलर वालों की मीटिंग लगते हैं, सेलर वाले विधायक मीटिंग करके आते हैं, सेलर वाले हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी मजदूरों की मजदूरी कम कर देते हैं। हमने ये तो सुना था कि हर साल मजदूर की मजदूरी बढ़ती है, ये पहली बार सुना कि मजदूर की मजदूरी घटाने का भी काम कर दिया। तो ये चाहते ही हैं कि मजदूर हड़ताल पे चला जाए, सैला दाड़ा हड़ताल पे चला जाए और किसान लुटता फिरे और आखिर में सरकार किसान तंग होकर ये कह दे कि जिसने जिस रेट में लेते हो ले लो, मेरी जीरी खरीद लो, ये इस काम पर लगे।